हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल ट्रेनर एक्स एंड पोकेमोन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एक और नए एपिसोड में। भले यार मेरे को घंटा भी याद नहीं कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था, इसलिए भाई खुद जाकर देख लेना। तो भाई आज के जो एपिसोड में हम करने वाले हैं, एक मिनट देखने तो मेरे को क्या क्या करना होगा। तो मुझे पूरी सेरुलियन सिटी एक्सप्लोर करनी है एंड इसमें सिटी मेरे को कुछ भी एक्सप्लोर करने लायक तो नहीं दिख रहा, क्योंकि भाई पूरा सेम टू सेम है भाई हर गेम की तरह। इस गेम के अंदर भी बस एक दो चीज़ जो कि यहाँ पे बंदा, एक मिनट से बात करके देखता हूँ। ये ट्रेनर ऐसी तुम, अबे यार मैं फिर भूल गया कि ये गेम हिंदी में है यार। ओके ऐसी तुमने फर्स्ट बैच जीत लिया है, इसलिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड में दूंगा एक रेयर पोकेमोन। भाई आते एक नया पोकेमोन मिलने वाले गाइस मेरे को, देख तो भाई पता नहीं कौन सा नया पोकेमोन, लेकिन पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। रेड यहाँ तेरी बहन की चतुर उसके तो वाट लगा दो मैं। अच्छा एक ही पोकेमोन भाई टाइप ना ले इसके पास, ओके टाइप नल, आई होप मेरी वाट ना लगा दे। अब तो हाँ मेरे को याद है मेरे ग्रीन निंजा के पास भी एक मूव है यार फाइनली, तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके तो वाट मेरा चार्मेलियन अकेला शायद लगा दे। ओके एरिया लेस कुछ नहीं होगा, एम्बर साला सुपर पोशन तेरी बहन की शत्रु। ओके स्क्रैच पर भाई इसके ऊपर असर बहुत कम हो रहा है मेरे मूव्स का। मेगा किक की मारनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि ये थोड़ी बहुत ज़्यादा हेल्थ लेके जा रहा है उसकी। ओके प्लीज़ इस बार पोशन यूज मत करियो, कि चार्मेलियन भी मरने वाला है। ओ यार शिट, मेरे पास मूव नहीं बचा मेगा कि मैं एम्बर मारूँ। मेटल ग्लो भी तो है, अबे यार पहले ही मर गया चार्मेलियन। खैर वाइज कोई बात नहीं, मैं भेजूंगा अपना ग्रीन निंजा। भाई साहब ग्रीन निंजा बहुत तगड़ा है मेरा, मेगा पंच पड़ेगा, एक ही मूव है साले के पास वैसे भी। ओके तो गाइस मुझे पता नहीं किस तरह का रेयर पोकेमोन मिलेगा, बट शायद मेरे को ट्रीको दे दे यार, अगर मेरे को ट्रीको मिल गया भाई मज़ा आ जाएगा। ओके मैंने सुना है एक आदमी किसी ऐसे को ढूंढ रहा है जो उसे हरा सके, वो उसे एक यूनिक पोकेमोन देगा। व्हाट स्कॉर्बनी, अबे भाई 40 लेवल का स्कॉर्बनी, भाई 40 लेवल का स्कॉर्बनी, इसके माँ के थूक भाई, क्या टट्टी अटैक इसके पास ही है। नहीं नहीं एक मिनट, हेडबट काउंटर बाउंस, ओके बाउंस डबल एच एकदम परफेक्ट है, लेकिन इसके पास पायरोबॉल मूव नहीं है यार। पायरोबॉल भाई फायर टाइप मूव फकिंग यार। गाइस मेरे को बहुत बढ़िया पोकेमोन दिया इसने, लेकिन 40 लेवल का यार शिट भाई, कुछ होता नहीं है कि 40 लेवल यार। 4 लेवल का मिलता ना कोई बात नहीं था, लेकिन ये यार 40 लेवल यार ठीक नहीं है यार। अब मैं क्या बोलूँ यार, खैर कोई बात नहीं गाइस, अब हमें 40 लेवल का मिल चुका है तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। एंड यहाँ पे कोई ढंग का तो आइटम है नहीं इसके पास भी, एंड ये बंदा रिबेल बहुत। अबे चल निकल, लड़कियों पर काम नहीं करती, अफसोस ये लड़कियों पर काम कैसे बचूँ मैं लड़कियों से। अबे भाई बड़ा अजीब आदमी है। तो ओके इस घर में बंदे दिख रहे हैं तो, एंड ये बंदा क्या बोल रहा है, हेलो ब्रो तुम भी एक ट्रेनर हो, कलेक्टिंग बैटल मुश्किल है यार। ओके चल निकल, मैं पोकेमोन सील कर लूँ यार अपने एक बार। एंड यार 40 लेवल का स्कोर बनी ने भाई दिल तोड़ दिया यार मेरा, 4 लेवल का होता काश, बट कोई बात नहीं गाइस। मैं क्या एक मिनट पोकेमोन देखो अपने में, चार्मेलियन टोरकेट बेली ग्रीन निंजा एंड स्कोर बनी। ओके 3 फायर टाइप, एक ग्रास टाइप एंड एक वाटर टाइप, पोकेमोन्स मेरी खिचड़ी बनी पड़ी है, बट कोई बात नहीं यार मैं फिलहाल आगे चलता हूँ। हाँ भाई अबे बंटी ओए सारे धरते उधर क्या देख रहा है, तुम अब भी स्ट्रगल ही कर रहे हो बेचारे, तेरी बहन का बेचारा रुक, अभी अभी रुक साले, अभी तेरी बेइज्जती करता हूँ साला, बेचारा बोल रहा मेरे को। ओके कॉर्ब स्क्वायर इसके पास एम्बर और टोंट दे रहा है तेरी बहन का टोंट, रुक इसके ऊपर मेगा केक पड़ेगी अभी। मुझे पाप को ट्राएगा, पाप को ट्राया रहा है, एक मिनट रुक रुक ज़रा, गया तो नहीं बट कोई बात नहीं, फिर रहा है फिर भाई, कुछ नहीं होगा इससे, कुछ नहीं होता, देख मर गया बेचारा खुद ही। और देखते हैं रॉक रफ, ओके रॉक रफ के लिए मैं भेजूंगा स्कॉर्बनी को, भेजता हूँ मैं एक बार। इसके पास फाइटिंग टाइप पोकेमोन अटैक है ना, फाइटिंग टाइप अटैक हेडबट है शायद, ना फाइटिंग टाइप मूव नहीं है इस बेचारे के पास, बट कोई बात नहीं सर फोड़ूंगा मैं बार बार फिलहाल तो उसका। ओके स्कॉर्बनी में जीत चुका है, 4 मिलियन के 30 लेवल हो गए टोरकेट के, 26 बेलीफ के भी 26 और ग्रीन जा के स्कॉर्बनी के लेवल अप नहीं हुए, कोई बात नहीं बेलीफ भेजूंगा मैं। ओके रेजर लीफ, ओके रेजर लीफ पड़ेगी तेरे ऊपर, चलो जी वाटर टपक गया भाई, वाटर टॉल टपक गया, कुछ नहीं खाड़ सकता मेरा भी, चलो जी वो भी गया। एंड अब कौन सा ड्रीपी कौन सा वो की मैंने यार पता नहीं कौन सा ग्रीन जा भेज देता हूँ मैं, ड्रीपी ओ भाई मुझे किसी पोकेमोन की याद दिला रही है किसी, अबे व्हाट द फक इसके ऊपर मूव का सेट नहीं होता भाई, एक ही मूव है चूतिया ग्रीन निंजा के पास साला, वो भी उसके ऊपर असर नहीं होता। खैर कोई बात नहीं मेरे पास स्कोर बनी है, चल बेटा वाह। ओके ड्रैगन क्लो भाई, ये पोकेमोन कौन कहाँ देखा मेरे को याद नहीं आ रहा, वो लियोन के पास सर है शायद, इसका इवोल्यूशन ड्रैकोपॉ पता नहीं क्या नाम, तो उसका नाम भूल गया मैं।
खैर अभी मैंने उसकी वार्ड लगा दी है, पता नहीं कहाँ मिलेगा मुझे वो पोकेमोन, मैं ही पकड़ लूँ कि बंटी है। गेस व्हाट, मैं बिल से मिला और उसके बारे में उसके रेयर पोकेमोन देखे। बिल ने ही पीसी स्टोरेज भी बनाया है जो तुम यूज़ करते हो। अब आ ही गए हो तो उससे मिलकर जाना। अच्छा भाई ठीक है, भूल भाई इधर देना साला, उधर क्या देख रहा था ऐसा। ओके चलो घंटा फर्क, भाई मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं बट उसने बोला घंटा फर्क, ऐसे ही कुछ बोला था साला उसने। खैर कोई बात नहीं, अभी मैं ऊपर जाता हूँ भाई, फिर मेरे को मिस्ट्री से भी आके जिम बैच का मुकाबला करना है। एंड यार यहाँ पे कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं यार, सब बेकार है यहाँ पर। हाँ भाई तू भी आ जा। ओके ओके भाई स्कोर बनने की भी 41 लेवल होगा यार फाइनली, अब वो भी इवॉल्व होने वाला है भाई। एक मिनट और जेंगू स्कोर मार दो भाई, बहुत हलवा है इसको भाई। एक ही मूव में उसने मेरी वार्ड लगा दी बट कोई पर स्कोर बनी भाई। ले तू खा इसका हेडबट। ओके फ्लेंच्ड हो गया वो, एक और हेडबट अब वो गया। ओके स्कॉर्बनी ने उसकी वार्ड लगा दी है एंड ये इवॉल्व होगा ना। ओके तो गाइस हमारा जो स्कॉर्बनी आते ही इवॉल्व हो गया रबूट में। ओके खरगोश आजा भाई, अभी कोई मूव सीख पहन के आई भाई, बहुत बुरी बात लगती मेरे को इन लोगों की साली। फायर टाइप पोकेमोन होके इसके पास एक फायर टाइप मूव भी नहीं है ढंग का। एक मिनट मेरे पास टीएम में कोई फायर टाइप मूव है तो नहीं यार, शिट यार शिट नहीं है। पर क्या तुम मेरे रॉक का ख्याल रख सकते हो भाई? हाँ भाई क्यों नहीं, व्हाई नॉट ब्रो। चल भाई आजा। ओके मेरे को रॉक प्रफ मिल चुका है, मैं देखता हूँ कैसा है वो। 15 लेवल का रॉक प्रफ यार मेरे पास, सही है। चलो उसको मैं इवॉल्व भी कर दूंगा वैसे तो। एक मिनट, मून स्टोन से होगा ना शायद ये, वो डार्क वाला बनाना है मुझे तो। ओ भाई इवॉल्व नहीं हो रहा साला ये। खैर कोई बात नहीं, पता नहीं कैसे इवॉल्व होगा बट देखा जाएगा। अभी भाई यहाँ पे भी और भी बहुत सारे ट्रेनर्स हैं यार, अभी इन लोगों से और लड़ लेता हूँ गाइस, फिर मैं डायरेक्ट मिस्ट्री से जिम बैटल करने जाऊँगा। तो बस ये यार बहुत सारे ट्रेनर्स हैं यार वाकई में। 7 hours later सारे पोकेमोन मर गए, लेकिन पता नहीं मेरा रबूट इवॉल्व होगा। ओ गाइस मेरा फाइनली रबूट जो है इवॉल्व होने वाला है भाई। साइनरस बन गया, होने वाला क्या बन गया भाई सब। ओके कोई फायर टाइप मूव प्लीज, हाई जंप किक यार। चलो कोई बात नहीं, अच्छा मूव है यार वैसे तो। ओके लगे पायराबॉल यार, पायराबॉल मूव होता ना भाई, मजा आया था गाइस कसम से भाई। पायराबॉल बड़ा खतरनाक मूव है गाइस, तुमने देखा होगा पोकेमोन द लास्ट फायर राइड के अंदर। एंड यार अभी बहुत सारे ट्रेनर्स तो नहीं बचे, 2-3 ट्रेनर्स बचे बस। मैंने आधे से ज्यादा के लोगों के तो यहाँ पे वार्ड लगाई दी। फाइनली गाइस मैंने इसकी वार्ड लगा दी। वो एक नोट भाई ये क्या ऊपर, भाई ये क्या चीज़ है, लगता है जैसे इस पेड़ को काटा जा सकता है भाई। पेड़ कहाँ है भाई, ये है क्या चीज़ यार, यार एक मिनट व्हाट द हेल, ये है क्या भाई। और एक मिनट वो भाई उधर टोटल खड़ा है ना, वो टोटल खड़ा है, लेकिन यार ये साइड में बंदा कोई पड़ा हुआ है क्या, डेड बॉडी पड़ी किसी की, पक्का हारने वाला पता नहीं क्या बोल भाई। एक मिनट तीन चीज़ें एक साथ देखा भाई, गिबल उसके पास। अबे यार टैकल पड़ी गलती से, शिट यार। और अभी सिंथेसिस, ओके अच्छा सिंथेसिस मूव है मेरे पास, टेक है भाई यार, शिट टेक डाउन ले गया उसको। खैर कोई बात नहीं, बस साइंड्रेस है बेटे, कोई बात नहीं आ जा। हेडबट पड़ा, एक ही हेडबट में गया वो गिबल। ओके रॉकरफ के मड ग्रे, ओके मड ब्रे तेरी माँ की मड ब्रे। चलो जी बाउंस में तो नहीं गया बट कोई बात नहीं। ओके हेडबट पड़ेगा इसके ऊपर। ओके गया, मड ब्रे भी गया। ओके भाई अब मैं भाई अब दो ये पेड़ की भाई क्या धज्जी उड़ी पड़ी भाई, कभी ये मरी हुई लाश बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, अब देखो ये धुंधला हुआ पेड़ बन गया ये। खैर कोई बात नहीं, उनका ये देखो तुम टोरोडाइल है ना, टोरोडाइल है भाई पक्का 100% टोरोडाइल है भाई, पकड़ लो इसके। मैं टीम में तो जगह है नहीं यार, रॉक रफ है फालतू, रॉक रफ को फेंक दूंगा मैं। चल भाई आ जा। ओके 5 लेवल का है भाई ये तो, 5 लेवल का ही आएगा भी कि नहीं। ओके यार मारूंगा किससे लेकिन मैं इसको, एक मिनट मेरे पर रॉक रफ है, रॉक रफ का आई होप कोई मूव इसको मारे ना बस। भाई यार कौन सा मूव करूँ, लेकिन ये भी तो समझ में आ जाए, बंडा नहीं है तेरे को। ओ आ गया भाई, फाइनली आ गया भाई, बड़ी मुश्किल से आया साला भाई, आ नहीं रहते ये। ओके गाइस तो हमारे पास अब टोरोडाइल भी आ चुका है एंड अबे एक मिनट भाई जा क्यों नहीं रहते, फिर आ गया व्हाट द हेल भाई। अच्छा अब रन करने से आया भाई, वरना आया जा रहा था बार बार। ओके खैर अभी इससे लड़ लेता हूँ। अच्छा दीदी तो भाई फाइनली मैंने सारे ट्रेनर्स की वार्ड लगा दी। और एक मिनट ये देखो डॉन भाई, डॉन क्या कर रही है यहाँ पर ये। एक मिनट पहले इन बंदों से बात करें, डेटिंग स्पॉट है, मिस्टी यहाँ आना चाहती थी पर इसके साथ किसके साथ आना चाहती थी भाई, हम तुम अकेले आए हो सेरेनल के पर सिर्फ कपल्स आते हैं, चलते कपल्स की ऐसी तैसी, हम सिंगल लोग हैं भाई। गाइस तुम देखो यहाँ पर भाई डॉन खड़ी है, मेरे पास सारे पोकेमोन्स एकदम लुल हुए पड़े भाई, पोकेमोन हील करके आना पड़ेगा मेरे को, लेकिन मुझे नहीं लगता भाई जरूरत पड़ेगी पोकेमोन हील करने की, क्योंकि साइंड्रेस काफ़ी है। ओके तो ओके हेलो तुम कौन हो? ओ जू मेरा नाम है डॉन, मैं और लुकास कैंटो में घूमने आए हैं। लुकास अभी मिस्टी को चैलेंज करने गए? लुकास सीरियसली यार? ओ मैं मुझे बैटल्स में दिलचस्पी नहीं है, उम्मीद करती हूँ हम फिर मिलेंगे। ओके
कुछ तो बात कर भाई ढंग की, लड़ेगी पोकेमोन देगी कुछ तो दे भाई, जैसे पोकेमोन बैटल्स में दिलचस्पी नहीं है। ओके खैर ऐसी तैसी हो जा तू एंड फ्लो। ओ भाई एक मिनट भाई, भाई ये देखना ये रहा बिल, यहाँ ऑलरेडी है यार, मैं एक पोकेमोन हूँ, नहीं मैं नहीं हूँ, मुझे बिल बुलाओ, मैं एक ट्रू ब्लू पोकेमोन ही कहता हूँ, ये तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, मैं मजे नहीं ले रहा बॉय, एक एक्सपेरिमेंट खराब हो गया है और मैं एक पोकेमोन बन गया, सो कैसे रहेगा अगर तुम मेरी मदद करो। हाँ भाई ठीक है, मेरे टेलीपोर्टर में जाने का इंतज़ार करना, उसके बाद मेरे पीसी में जाकर सेल सेपरेशन सिस्टम ऑन करना। ओके भाई लेकिन ये हुआ क्या है अभी ये? भाई बिल तो वो पोकेमोन था ना, लेकिन इसकी बॉडी यहाँ पे मेरे से बात पाई, अलग ही नशे है, कोई बात नहीं, गेम के नशे है। खैर ओके अभी बिल बनकर वापस बाहर आ गई है। ओके आ गया भाई, तू तो बाहर ही था ऑलरेडी साले, चल मेरे को जल्दी से टिकट दे दूँ। ओके ओके जल्दी से टिकट देते, अब निकल भाई, थैंक यू सो मच तूने मेरे को टिकट दिया, अब मैं निकलता हूँ। ओके डॉन बेबी तुम अभी यहाँ पे क्या कर रही हो? डॉन अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं यहाँ पे। खैर मैं चलता हूँ भाई मिस्टी से लड़ने के लिए गाइज, तो फाइनली पहले पोकेमोन हील कर लूँ मैं। एंड मेरे को डॉन ने बताया था कि वो लुकास जो है, लुकास और डॉन जो है कैंटो में ट्रैवल करना है, और लुकास जो है मिस्टी को चैलेंज करने गया है। तो पोकेमोन्स मैं ऊपर नीचे करता हूँ, सबसे पहले तो मुझे लगता है बेलीफ को ऊपर करना चाहिए मुझे। ओके क्योंकि बेलीफ एक ग्रास टाइप पोकेमोन। एंड भाई लुकास कहाँ है पहले मुझे ये बताओ, और उससे बात करता हूँ मैं। हेलो ब्रो तो बात कर ले भैया, उधर क्या दिख रहा है? हेलो तो बात कर ले भैया, ग्रड़ा साले शक्ल दिख रहा है बस मेरी। ओके खैर गाइस तो मैं भाई अब फाइनली जो है मिस्टी से बैटल करने जा रहा हूँ गाइस। ओके हाय तुम आए, तुम नए लगते हो भाई। नया नहीं हूँ मैं। ओके तुमने मुझे रूट 4 पर देखा? हाँ मैं तो जिम में थी, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, अब तुम बैटल कर रूट 4 पर मिस्टी कहाँ थी? अच्छा 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 वो मिस्टी ब्रो भाई, वो बात जो कर रही थी मेरे को याद आ गया, पिछले एपिसोड में भाई ब्रोक और मिस्टी बकचोदी कर रहे थे भाई, वो केफ के बाहर खड़े होकर क्या बोल रहा था ब्रोक कि उसकी वजह से जो है रेड की मौत हुई भाई, ऐसी कुछ ऐसी कोई बात कर रहे थे लोग। खैर अभी मैं मिस्टी की वार्ड लगा, तो मेरी पॉलिसी है कभी ना हारने की, अभी चला अभी इसकी वार्ड लगा तो रुक जा, कभी ना हारने की बच्ची बच्ची सारी। ओके आते ही साली ने 30 लेवल के रेडॉस भेजा है, एंड मेरे पास है पॉइजन पाउडर विद बेलीफ। ओके सॉली मेगा रेडॉस कर दिया उसने उसको भाई, मरी मत। ओके ओके पॉइजन भाई, थैंक गॉड उसने उसे पॉइजन तो करा एटलीस्ट। अब भाई यार मुझे लगता है बेलीफ से मार पाएगा, मैं पोकेमोन बदल लेना चाहिए, रॉक रॉक भेजता हूँ फिलहाल तो मैं। ओके इसकी जल्दी से वार्ड लगा, चलो रॉक पर रॉक रॉक बच कैसे गया यार, मैं सोच रहा हूँ मुझे लगा मरेगा ये, बट कोई बात नहीं। ओके अब मैं भेजूँगा यहाँ से, मैं भेजना चाहूँगा किसको भेजूँ, साइंड्रस को भेज देता हूँ भाई, दो फायर टाइप पोकेमोन। ओके भाई वो उसे चक्कर आने लग गए, कोई बात नहीं पड़ेगा इसके ऊपर हाई जंप किक। ओके एक ही हाई जंप किक में वो गया भाई, बहुत बढ़िया। 33 लेवल हो गए 4 मिलियन के, ग्रीन इंजा के 40 लेवल हो गए। एंड और को एक मिनट मैं भेजता हूँ ग्रीन इंजा को भाई, वैसे तो मेरा साइंड्रस अकेला उसकी पूरी पलटन की वार्ड लगा सकता था, बट कोई बात नहीं। ओके एक ही मेगा पंच में गया वो भी भाई साहब, क्रिटिकल हिट था वैसे ग्रीन इंजा का, काफ़ी अच्छा हुआ, क्रिटिकल हिट्स मेरे फेवरेट है। क्रोरोंट, क्रोरोंट की बात करी ना, मैं बेलीफ भेज देता हूँ वापस से, क्रोरोंट के तो यही वार्ड लगा देगा शायद। ओके भाई साहब एक ही रिजल्ट ली भाई, क्रिटिकल हिट भाई, आई लव क्रिटिकल हिट्स भाई साहब। ओके एक 31 लेवल हो गया, बॉडी स्लैम खुला बेलीफ बेलीफ का, पॉइजन पाउडर तो नहीं, सेंसेस तो नहीं, टैकल काट देता हूँ बेकार है। ओके और कुछ नया हुआ है क्या मेरी टीम के अंदर? 43 लेवल हो गए साइंड्रस के, 43 लेवल हो गए। ओके एंड तुम तो कमाल धोती फाड़ के वाले वाओ। ओके कैस्केड बेज से लेवल 30 तक के पोकेमोन तुम्हारी बात मानेंगे, 30 तक के तुम्हारी बात मानेंगे कि? ओ भाई मेरी दिमाग की बत्ती चल रही है कुछ कुछ, खैर इस चीज़ के बारे में तो बाद में बताऊंगा। तुम अब कट भी यूज़ कर सकते हो, और ये भी रख लो। क्या मिला मेरे को? वाटर पल्स भाई, एक मिनट एक मिनट भाई, ग्रीन निंजा ने बड़ा दिमाग ख़राब करा था भाई मेरा कसम से भाई साहब, एक मिनट वाटर पल्स दे भाई, इसे सिखाऊँ ज़रा भाई। थैंक गॉड भाई, बहुत ज़्यादा रिलीफ हुई है मेरी अंदर से भाई, मुझे लगा था साला वाटर पल्स भी नहीं सीखेगा ये ग्रीन निंजा। अब मैं डबल टीम काट देता हूँ भाई, स्मोक स्क्रीन शायद काम आ जाए, इसलिए मैंने उसे नहीं कट करा। ओके वाटर पल्स अभी भी और है मेरे पास। ओके फिलहाल गाइस इतना काफ़ी है, एंड मेरे को बैच मिल चुका है। ओके तो मेरे को कहाँ जाना है गाइस? मैंने यहाँ पर तो बैटल कर लिया है, एंड ये बंदा हेलो स्लो ब्रो, नहीं फिर से नहीं, क्या नहीं। एक मिनट भाई, पहले कुछ सामान वामान खरीद लूँ, मैं बहुत ज़्यादा पोकेबॉल्स की कमी है थोड़ी बहुत, 10 खरीद ली मैंने, एंड सुपर पोशंस होना ज़रूरी है भाई साहब, 9 सुपर पोशन ले लिए मैंने, कुछ पोशंस भी रख लेता हूँ, चलो 14 पोशंस ले लिए मैंने, एंड फुल हील है इसके पास? फुल हील नहीं है यार। ओके ये सब चीज़ें नहीं खरीद रहा मैं। ओके मेरी शॉपिंग भी हो चुकी गाइस, एंड ओ एक मिनट सामान बेचना तो भूल गया मैं, कुछ मैं खुद गरीब हूँ भाई, मेरे को नहीं देगा नहीं। बाइक वाउचर एक्सचेंज बाइसिकल को क्या 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 क्या
भाई मेरे पास बाइसिकल कहाँ थी? एक मिनट भाई, बिना बाइक वाउचर के इसने मेरे को बाइसिकल दे दी? भाई बाइक वाउचर नहीं था मेरे पास, है ना? या था मेरे पास? भाई मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है, बाइक वाउचर तो मेरे पास था ही नहीं, तो कहाँ से मिल गया भैया मेरे को बाइक? पता नहीं यार। खैर गाइस कोई बात नहीं, मेरे को फ्री में बाइक मिल चुकी है एंड मैंने यहाँ पे सब कुछ जो है एक्सप्लोर कर लिया है एंड इस घर में जाता हूँ मैं। यहाँ पे भी टीम रॉकेट से लड़ना है मेरे को। ओके अभी इस कैसी जैसी करता हूँ। भैया कैसे परेशान करेगा भाई तूने यहाँ पे लोंडो को? अभी तो मैं वापस करता हूँ। ओके मेरे को टीम 28 मिल गई, मैं तो चला बाय बाय। ओके वो तो भाग गया, मुझे अपने पोकेमोन्स हील कराने हैं यार, बहुत लोल हो पड़े हैं। ओके ओ भाई ये ओ एक मिनट यहाँ से रास्ता बंद यार लेकिन, और ये बंदा तो वो है ना डार्क वाला ब्रैंडन जो है। खैर मैं अपने पहले पोकेमोन्स हील करा कर आता हूँ, फिर ऐसा आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करूँगा। ओ ये तो रास्ता ऐसा बंद दिख रहा है यार, यार ये अजीब बात है यार। यहाँ पे मतलब उस जगह पर भी रास्ता ऐसे ही था बंद था और यहाँ पर भी। ओ उसकी माँ की आग भाई, तो भाई बुरा वाला ब्रांडन है ना। और एक मिनट ये यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी, भाई दो जगह है भाई, डबल रोल इसका यहाँ पर भी। खैर कोई बात नहीं भाई, बैटल करेगा डेफिनेटली मुझसे ये। ओके है ही पहनचो, तू मिल ही गया मेरे को फिर से, तुझे लगा मैं वापस नहीं आऊँगा? मेरे दोस्त मेरा मतलब है मेरे दुश्मन को मैं कभी नहीं छोड़ता, अब बच के दिखा मुझसे। और ओ भाई साहब यार ये तो अपनों से भी अच्छा है यार, अपने तो हमें छोड़ भी देते लेकिन भाई विलन होके नहीं छोड़ना, मैं बताऊँ कितना अच्छा बंदा है ये। ओके सेप्टाइल है इसके पास और मेरे पास बेलीफ, मार देगा ना उसे बेलीफ ब्रो? मार दियो उसको भाई प्लीज़, दिखा दे तू ज़्यादा ताकतवर उस मेगा सेप्टाइल के खिलाफ। ओके यही तो चाहता था मैं, बॉडी स्लैम। अबे रेजर लीफ पड़ गया गलती से। ओके लीफ ब्लड से तो कुछ नहीं हुआ, मेरे रेजर लीफ से भी घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, अब बॉडी स्लैम पड़ेगा उसके ऊपर अब। ओके भाई बेलीफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यार मेरा, अबे साला पोशन यूज़ कर लिया हरामी ने, लेकिन घंटा कुछ नहीं हो सकता, गया ये पुरसूट। ओके एक लास्ट अटैक और ये गया भाई सेप्टाइल को हराते हुए बेलीफ, भाई बेलीफ ताकतवर है मेरा। एंड फ्लेम थ्रोर खुल गया मेरे चार्मेलियन का एंड कौन सा काटूँ, एम्बर स्क्रैच अटैक काट देता हूँ। ओके चलो भाई चार मिनट फ्लेम थ्रोर सीख लिया एंड उसका अगला पोकेमोन कौन सा हो सकता है, ड्रैगन नाइट। ओके बेली फिर रहेगा पॉइजन पाउडर भाई, काश बेकार मूव कर दे कोई, वो भाई थंडर वेव कर दे सारे ने, कोई बने सिंथेसिस यार यूज़ कर ले प्लीज़ सिंथेसिस। ओ भाई यार शेट, चलो गाइस कोई बात नहीं मैं भेजूँगा अब अगर छू चार मिलियन भेजता हूँ मैं। ओके फ्लेम थ्रोर पड़ेगा उसके ऊपर, घंटा भी सड़ नहीं उसके पास ज़्यादा, बट कोई बात नहीं मेगा किक है ना मेरे पास। चलो जी गया ड्रैगन एट तो गया, चलो और भेज अगला कौन सा पोकेमोन होगा इसका, यार मैं तो भूल गया हैराक्रॉस, अबे हैराक्रॉस तो यूँ ही जाएगा। ये फ्लेम थ्रोर पड़ा इसके ऊपर और ये गया। ओके चलो जी अब देखते हैं, बस तीन पोकेमोन तेरे पास भाई तो गया। ओके भाई बस बात नहीं करेगा मुझसे तो, मुझे पैंचो बोलने की आदत है। अच्छा पैंचो बोलने की आदत, मेरे दोस्त रेड को इस बात का कभी बुरा नहीं लगा, तो भाई मेरे को कहाँ लगा, मैं तो भैंचो करता रहता हूँ। मैं उसे ढूंढ कर रहूँगा, तू भी भैंचो संभल कर रह, इस दुनिया में बहुत कुछ अजीब हो रहा है। क्यों मैं तेरी चिंता नहीं कर रहा, जस्ट कॉज तू मेरे बेस्ट फ्रेंड जैसा दिखता है। ओके एनीवेज ये रख ले, ये बाइक शॉप वाला औकात की बात कर रहा था ना, मैंने उसे उसकी औकात दिखा दी भाई साहब। भाई ओ भाई उसने बाइसिकल उससे चुरा ली शायद से। ओ भाई कितना बढ़िया बंदा है यार। ओ वहाँ क्या अभी ये लेडी की काली हफ्शन कौन है भाई? अरे एक मिनट मैं ऊपर देख रहा हूँ यहाँ पर। ओके यहाँ पर कुछ देख तो मस्त पोकी मैंने, यहाँ पर कोई पॉलीबैग है दफा, और यहाँ पर कुछ ढंग का पॉलीबैग भरे पड़े भाई यहाँ पर तो, और यहाँ पर ऊपर ये कौन सा पोकेमोन इम्पी डिम्प। ओके बड़ा ही घटिया पोकेमोन लगा मुझे तो, बट हो गए दफा करते हूँ। एंड यहाँ पर ये बंदा डे केयर, बचल मेरे को नहीं करवाना। चलो जी अब बाहर निकलता हूँ, ये लेडी से बात करता हूँ कि लेडी भीम हेलो, तुम तो वो हो वो क्या, तो तुम हो वो मेरी सबसे बड़ी भूल, तुम बिल्कुल मेरे रेड की तरह दिखते हो। भाई इसका भी कोई रेड है यार, भैंसू कितना सारा रेड है। मेरा नाम है रीका, मुझे क्वीन ऑफ कर्सेस भी कहा जाता है। अच्छा फिलहाल मैं अपनी पूरी कहानी नहीं सुना सकती, बस ये जान लो कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरी वजह से है। यार ये क्या क्या सीन चल रहा है, कि मैंने रेड को अपने पाने के लिए उन लोगों के साथ दिया, मुझे समझ जाना चाहिए था। मल्टीवर्स कोलाइडर कोई सही मशीन नहीं है, जो तुम देख रहे हो वो मेरा असली रूप नहीं है। धीरे धीरे मैं तुम्हें सब बता दूंगी जूब, फिलहाल तुम्हारी जान को ख़तरा है, किसी पर भरोसा मत करना और ये रख लो तुम्हें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। पोशन दिया बस,
मैंने रेड को एक हादसे में खो दिया था, इसलिए मैंने मल्टीवर्स में उसे खोजना चाहा, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अब मुझे ही सब कुछ ठीक करना होगा। हम फिर मिलेंगे जूप, तुम मुझे पहचान जाओगे भले ही मैं किसी भी रूप में आऊँ। भाई वो रेड की है ना, मतलब वो रेड की बंदी थी, वो सेटिंग थी, मतलब किसी दूसरे यूनिवर्स से प्यार में अंधी होगी वो उसके, एंड यहाँ पर लेकिन जाने तो देगा नहीं, मुझे मालूम है। अबे रास्ते बंद है ऐसा, तो बड़ा अजीब है यार ये तो। खैर मैं आगे चलता हूँ। हेलो बच्चे, है तुम्हारे पास नीड उड़ रहने नहीं वायदा पाओ। ओके तो मैं ओ यहाँ पे बंदर। हेलो देर, क्या तुम्हें ऐश को कहीं देखा है? ऐश भाई मुझे नहीं मालूम ऐश कहाँ पर है। लाल टोपी पहने हुए चुलबुला सा लड़का। ओह क्या सच में तुम उससे मिल चुके हो? अच्छा हाँ मिले तो था मैं शुरू में, शुक्र है आरसीयूस का। क्या अच्छा आरसीयूस भाई माफ़ करना, मैंने अपने बारे में तो बताया ही नहीं, मेरा नाम है सरीना। सरीना? अबे सरीना ये, अबे सरीना भाई सीरियसली है? मैं कैलोस रीजन से हूँ। इससे पहले कि अपनी कहानी सुनाओ, क्या तुम मेरे साथ एक बैटल कर सकते हो? मुझे मेरे नया पोकेमोन की पावर देखने आ चल गया। भाई साहब सरीना कितनी अजीब सी लग रही है। कैलोस क्वीन, अजय घंटा क्वीन। ओके गार्डिवोर है इसके पास। भाई मेगा मेगा गार्डिवोर है इसके पास ये, लेकिन मुझे पूरा यकीन है मार देगा मेरा टोरकेट उसको। अबे भाई तुम मर ही नहीं रहा, मारो सालो। ओके फ्यूरी स्वाइप्स, फिर एम्बर मारूंगा भाई, मार दिया। ओके फ्यूरी स्वाइप्स अच्छा चला, एम्बर पड़ेगा, साइकिक अटैक। भाई कितनी सारी हेल्थ चली गया। ओके मुझे एम्बर मारना चाहिए था स्टार्टिंग में ही। फुरैली कटर इसके पास भी। ओके डबल किक मार, चल अच्छा खासा मैंने उसकी हेल्थ तो नीचे गिरा ही दी। ओके चलो टोरकेट भी मर गया है, मैं भेजूंगा अपना ग्रेनिंजा। अब मेगा पंच मार इसका, ये तो गया, फिर एलिगेटर भी गया। अब फ्रेलीगेटर से याद है मेरे पास भी तो टोडाइल पड़ा, मैं तो भूल गया सब अपनी टीम में रखना। और ये रॉक रॉफ पता नहीं कब कैसे क्या इवॉल्व होने वाले, मुझे तो वो लाइकन रॉक बनाना है वो रेड वाला। ब्यूटी फ्लाई, ब्यूटी फ्लाई के लिए भेजूंगा साइनरेस को। अब इसके पास तो फायर टाइप मूवी नहीं है यार, चलो कोई बात नहीं, हाई जंप किक पड़ेगी। अब मरा नहीं है भाई यार, इससे नफरत है मेरे को, इस चीज़ से नफरत है तेरी। चल ओके गया है, ब्यूटी फ्लाई भी गई। अब ओ भाई मेरा 4000 बनने वाला है, 4 मिलियन। गार्ड एक और फिर आ गया, अभी इसकी ऐसी तैसी करता हूँ, ले हेडबट खा। अबे तेरी हिल क्यों नहीं सकता, मारते एक हेडबट मारते बस। अबे तेरी अटैक मिस, बाउंस का बाउंस। अबे मैंने बाउंस करके गलती कर दी मैंने, मुझे लगता है शायद। हाँ यार फक, डबल एच मार दे सैंड्रेस साले, मार दे भाई सीरियसली यार, ये बहुत बुरी बात है इस गेम की। वाटर पल्स यार, क्या है अटैक मिस होते यार। मेगा पंच, चलो भाई फाइनली गार्डिवोर भी गया भाई, इतने सारे अटैक्स मिस हो गए यार, दिमाग ख़राब हो गया था। ओके तो हेलो दीदी, है तुम ऐश की तरह ही अपने पोकेमोन से प्यार करते हो? ओके मैं और ऐश ल्यूमियो सिटी में क्लेमेंट और बॉनी से मिलने जा रहे थे, तभी अचानक एक पोर्टल खुला जो ऐश को अपनी तरफ खींच रहा था। मैंने उसे बचाने की कोशिश करी, लेकिन गलती से उसके साथ मुझे भी उस पोर्टल में खींच लिया। आँख खुली तो मैं कैंटो में किसी सैफ्रॉन सिटी में थी, तब से मैं ऐश को ढूंढ रही हूँ। अगर तुम्हें वो फिर से मिले तो उसे मेरे बारे में बताना जूब, अगर अपना ख्याल रखना। ओके थैंक यू। तो गाइस हमें सरीना भी मिल चुकी है, एंड इससे पहले मुझे और कोई नया ट्रेनर मिले मैं भाई पहले पोकेमोन हील कर लेता हूँ अपने। और मैं सोच रहा हूँ यार आगे की जर्नी जो है मैं अपनी अगले एपिसोड में कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि अब भाई आज मैंने बहुत खेल लिया है। एंड गाइस अगर आप लोगों को मेरे गेम प्ले पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस अगर आप लोगों को मेरे गेम प्लेस पसंद आते हैं तो। गाइस अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट गेम प्ले के अंदर, तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय।